हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र है। तो सबसे पहले आपको एल्केन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, यह आपके एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। एल्केन के अंदर से एक कार्बन आपको, सॉरी, एक हाइड्रोजन है वो आपको हटा देना है और उसकी जगह आपको एक्स लगा देना है। एक्स क्या है यहाँ पर? हेलोजन। तो हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1X। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, जिसे कि आप क्या बोलते हो? 2° हैलाइड भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1° हैलाइड किसे बोलते हैं। 1° हैलाइड के अंदर क्या होगा? हैलाइड प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, RCH2X। एक R आ रहा है मतलब वह 1° है। और 2° हैलाइड में क्या हो जाएगा? R2CHX, एक हाइड्रोजन कम करना है। और 3° हैलाइड के अंदर क्या हो जाएगा? R3CX। तो ये हो गया 1°, ये हो गया 2°, 3°। 1° के अंदर 1R, 2° के अंदर 2R और 3° के अंदर 3R। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपके ऑप्शन नंबर बी, R2CHX। ये क्या है? द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एलिलिक हैलाइड है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। एलिलिक हैलाइड वह हैलाइड होता है जिसके अंदर हैलाइड sp3 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होता है और वो आगे sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, क्योंकि इसके अंदर एक्स यानी कि हैलोजन पहले तो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बाद ये sp2 के साथ जुड़ा हुआ है। और यह भी एक्स से जो पहले तो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है और यह बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। और एलिलिक हैलाइड वह हैलाइड होता है जिसमें हैलोजन उस sp3 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होता है जो sp2 संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर चार है कि यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास कोई एरोमेटिक वलय है और उससे sp3 संकृत कार्बन परमाणु है तो वो हैलोजन परमाणु बेंजीलिक हैलाइड होगा। किस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा एक बेंजीन है और यहाँ पर ये एक्स है। ये एक बार तो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है और ये क्या जुड़ा हुआ है? बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन के साथ। तो ये क्या आंसर होगा? बेंजीलिक हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको क्या करना है? इसका सामान्य नाम बताना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। तो 2 पे क्या आ रहा है? क्लोरीन। तो क्या आंसर होगा? 2-क्लोरो। और ये कितने? 3। तो प्रोपेन। राइट आंसर क्या होगा? 2-क्लोरो-प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संश्लेषित हैलोजन यौगिक क्लोरोक्वीन का उपयोग निम्न में से किस रोग के उपचार हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप टिक कर लें, ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sp2 संकृत कार्बन परमाणु एवं x के मध्य आबंधन से बने यौगिक है। तो इसका आंसर आपको ध्यान से देखना है, इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। sp2 संकृत कार्बन परमाणु होना चाहिए और x के मध्य आबंध होना चाहिए। तो वाइनिलिक हैलाइड में sp2 होता है और एलिल हैलाइड के अंदर भी आपके बेंजीन वाले के sp2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से विष डाई हैलाइड का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कि विष डाई हैलाइड के अंदर क्या होगा? हैलोजन अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा। तो देख लीजिए, क्लोरीन एक बार तो इस CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बाद क्लोरीन CH के साथ जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा विष हैलाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम तथा संरचना सूत्र। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3, 3 क्लोरीन है मतलब ट्राइक्लोरो मेथेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि CH3X में CX बंद लंबाई का सही क्रम है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसके अंदर आपको क्या करना है, CH3 है और इसके साथ एक बार फ्लोरीन, उसके साथ फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा हुआ। तो बंध लंबाई का आपको सही क्रम बताना है। तो आप जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे परमाणु आकार बढ़ेगा, बंध लंबाई भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर फ्लोरीन से लगाकर ब्रोमीन इसके बाद आयोडीन तक बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हेलो अम्लों की एल्किल हैलाइड के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन का संरचना सूत्र है। तो इसके अंदर आपको क्या बताना, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, तो ये हो जाएगा आपके राइट आंसर, क्योंकि एक के बाद एक आ रहा है मतलब ऑर्थो है, ऑर्थो में क्या है क्लोरो और CH3 जुड़ा हुआ था है बेंजीन वाले के साथ, तो अपन कैसे बोलते हैं टोलुइन। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हेलोजन अम्लों की एल्कोहल के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम है। तो इसके अंदर भी पहले जो ऊपर ट्रिक बताई वही आपको फॉलो करनी है। तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HI की सबसे ज़्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि CH3 CH डबल बोन CH2 प्लस HI अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है। तो ये जो आपको अभिक्रिया दे रखी है इसमें आपको मुख्य उत्पाद बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रिया में आक्रमणकारी समूह का अधिक ऋणात्मक भाग उस प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है HI, इसे आप ब्रेक कर दीजिए, हाइड्रोजन क्या है प्लस है और आयोडीन क्या है अपना नेगेटिव है। तो आयोडीन उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो ये देखिए हमारे पास ये रहा डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पर दो है, एक है CH एक है CH2, तो हाइड्रोजन कम कहाँ पर है, CH वाले पर, तो आयोडीन कहाँ पर जुड़ेगा, CH वाले पर जाके जुड़ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, RX प्लस NaI चेंज टू RI प्लस NaX, उपरोक्त अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया के अंदर आपकी क्या बन रहा है, RI यानी कि एल्किल आयोडाइड, और एल्किल आयोडाइड अभिक्रिया किसके अनुसार बनती है, तो वो आपको पता होना चाहिए, फिकलस्टाइन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, समान एल्किल समूह के लिए एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक का घटता क्रम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो आपको क्या करना है, आयोडीन पकड़ना है, इसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समावयवी हेलो एल्केन में संकरण के साथ क्वथनांकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है कि हेलो एल्केन में श्रृंखला होने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि श्रृंखला जैसे जैसे बनती जाएगी क्वथनांक क्या होगा, कम होता जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से किस यौगिक का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, हेलोथेन, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है। द्विअणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, संक्रमण अवस्था बनती है, द्वितीय कोटि की बल गति क्यों होती है, विन्यास का प्रतिपन होता है, ये तीनों ही बातें सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, SN2 अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि SN2 के अंदर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि SN1 SN2 में एल्किल समूह के लिए हैलाइड RX की क्रियाशीलता का क्या क्रम है। तो इसके अंदर भी देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, RI सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। क्वेश्चन नंबर 22 है कि SN1 अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती होता है। SN1 अभिक्रिया होती है, इसके दौरान मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ROH यानी कि एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ क्रिया कर रहे हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो आपको एल्किल क्लोराइड मिल रहा है, SO2 और HCl भी बन रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायर्जन अभिक्रिया। डायर्जन अभिक्रिया के अंदर क्या होगा, SO2 गैस होने के कारण बाहर निकल जाएगा और HCl को पिरिडीन अवशोषित कर लेगा और हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल क्लोराइड। जब भी एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया होगी
पिरिडीन की उपस्थिति में तो आपको मुख्य उत्पाद मिलेगा एल्किल क्लोराइड, और ये काफ़ी अच्छी विधि है एल्किल क्लोराइड बनाने की, तो आपको याद रखना है कि वह डार्जन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, C6H5Cl की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशीलता कम होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, C6H5Cl में अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन आबंध में द्विबंध के गुण आ जाएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके कारण क्या होगा वे क्रियाशीलता कम प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, C5H5Cl प्लस AgCl, इसका आपको उत्पाद लिखना है, तो उत्पाद क्या बनेगा जरा सोचिए, आपको कुछ पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C2H5NC। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर क्या है, C5H5 नहीं है, C2H5 है। इसके अंदर आपको एक अभिक्रिया याद आनी चाहिए RX यानी कि एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया आप किसके साथ कर रहे हो, AgCN के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, RCN नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, RNC मिलेगा, यही तो इस अभिक्रिया की खास विशेषता है, प्लस AgX, ये इस तरह की अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया क्या है, क्या आपको पता है, स्वार्ट्स अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया आपके क्या है, एक स्वार्ट्स अभिक्रिया है, RX प्लस AgCN, तो इसके अंदर क्या बनेगा, RNC प्लस AgX, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, COCl2 का रासायनिक नाम है, COCl2 याद करो, COCl2 क्या होता है, एक गैस होती है जो दमघोटू होती है, काफ़ी विषैली होती है, पता चला, फोस्फीन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, C6H5X प्लस Na प्लस RX शुष्क इथर की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, तो आपको बेंजीलिक हैलाइड प्लस NaX मिल रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो जब आप किसी अतिक्रियाशील धातु सोडियम के साथ क्रिया करते हैं शुष्क इथर की उपस्थिति में, तो वह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया नहीं होगी, वुड्स अभिक्रिया तो सिर्फ RX प्लस Na के साथ होती है, यहाँ पर आपको C6H5 आ गया यानी कि बेंजीन है, तो कौन सी अभिक्रिया है, वो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। ओके, इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल गई, आपको वुड्स अभिक्रिया भी देखने को मिल गई, फिटिंग अभिक्रिया भी देखने को मिल गई, तो दोनों को मिक्सअप करके कौन सी बनती है, वुड्स फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 28 से, निम्न में से कौन सा यौगिक वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर फोस्जिन गैस बनाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर CCl4 होगा, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है, तो वो है CCl4, और किसके साथ क्रिया करता है, तो वो हो जाता है आपके क्लोरोफॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 30 है, DDT का पूरा नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम, या फिर बोल सकते हो IUPAC नाम, इसका संरचना सूत्र और इसका सूत्र, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेराडेश डाइक्लोरो डाइफेनिल टाइक्लोरो एथेन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 से, निम्न यौगिकों में एक्स परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण है, पहला CH2 डबल बॉन्ड CHCl वाइनिल क्लोराइड, दूसरा है आपको बेंजील के साथ दे दिया यानी कि बेंजीलिक क्लोराइड, क्लोराइड है यहाँ पर एक्स की जगह CL मान लीजिए तो क्लोराइड हो जाएगा, आपको क्या बताना है संकरण, तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे निकालोगे इसके अंदर संकरण, CL है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है CH, तो हेलोजन परमाणु जिससे जुड़ा हुआ था वो किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, और वाइनिल क्लोराइड के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया कौन सा होता है sp2, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, फिर ये क्या है बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये एक्स है, ये इसके साथ तो sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आगे वाला sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इसके अंदर आपको ये बताना था एक्स किससे जुड़ा हुआ है, तो एक्स है वो बेंजीन वाले के अंदर sp3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए sp2, पहला तो वाइनिलिक क्लोराइड इसके अंदर sp2 के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर sp3, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, तो अच्छे से देखना आपको।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि SN2 अभिक्रिया में क्रियाकारक के अभिविन्यास से उत्पाद का विन्यास विपरीत हो जाता है, अर्थात विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है, ये क्रिया क्या कहलाती है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्डन प्रतिलोमन। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन मैग्नीशियम आबंध होता है, कौन सा होता है? तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक तथा ध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर 34 है, एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके बनने वाले हाइड्रोजन में कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल हैलाइड से दुगुने होते हैं। अभिक्रिया है, काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया हो रही है, तो क्या बनेगा? बनने से मतलब नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो वो वुड्स अभिक्रिया है। और मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा, वुड्स रिएक्शन ये इस तरह से होगी, 2RX+2Na, तो इससे बनेगा RR+2NaX, तो इसके अंदर दुगुने प्राप्त हो रहे हैं एल्किल हैलाइड, तो ये अभिक्रिया क्या है, वुड्स, और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। क्वेश्चन नंबर 35 से, निम्न में से किस यौगिक का भंडारण पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में किया जाता है? तो ऑप्शन टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाता है, फोर्जिन गैस। क्वेश्चन नंबर 36 से, एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन कौन सा निर्देशी होता है, कौन सा निर्देशी होता है? ऑप्शन नंबर डी, BMC दोनों, यानी कि ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पर उच्चतम होता है, इस कारण से ये क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 से, एरोमेटिक यौगिकों में OP स्थिति में, यानी ऑर्थो पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है NO2 उपस्थित होने पर हेलोएरिन की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑर्थो पैरा स्थिति पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होने से उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 38 से, देखिए क्या है, CH3CH2CH2CH के साथ BR है, CH2 के साथ H है, OH को बाहर निकालना है, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? तो मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NaOH से करने पर बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन में विलोपित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्किन बनती अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, बीटा विलोपन अभिक्रिया, जो कि ZF नियम के अनुसार होती है। क्वेश्चन नंबर 40 से, बेंजील क्लोराइड की क्रियाशीलता SN1 के प्रति क्लोरोबेंजीन से अधिक होती है, क्योंकि बनने वाले मध्यवर्ती क्या होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजील कार्बोनियम आयन, जो अनुनाद से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। उभयदंती नाभिक रागी के उदाहरण क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, AMB दोनों, यानी कि CN- और NO2-। फ्रेओन 12 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, CF2। क्वेश्चन नंबर 43 से, हेलोएरिन कौन सी सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन के समान देते हैं? तो वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी, हेलोजनन हो, चाहे नाइट्रीकरण हो, चाहे सल्फोनेशन हो, और फ्रेडेल क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हेलोएरिन में अनुनाद होता है, हेलोएरिन में अनुनाद किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेलोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म वे वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के मध्य। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसके अंदर ए और बी दे रखा है, में CX बंद लंबाई का सही क्रम क्या है? बंद लंबाई का आपको सही क्रम बताना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी की है वो बंद लंबाई ए से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है, ये आपको एक अभिक्रिया दे रखी है, HBr के साथ आपको क्रिया करानी है परोक्साइड की उपस्थिति में। तो देखिए, जब भी परोक्साइड आए, यानी कि आपको क्या करना है, एंटीमार को निकाल कर ये लगाना है, तो HBr में H क्या है, पॉजिटिव, और Br क्या है, नेगेटिव, तो एंटीमार होता है वो मार्कोनिकाफ नियम के विपरीत होता है। अब Br है वो उस परमाणु से जाकर जुड़ेगा जहाँ पर क्या होंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो वे किसके साथ जुड़ेगा, CH2 के साथ जुड़ेगा, तो ये CH2 के साथ ये Br जुड़ गया, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीमार नियम के अनुसार इसको करना था। DDT का संरचना सूत्र है, मैंने कहा था ना DDT के संरचना सूत्र पर क्वेश्चन आएगा, तो देखिए आ गया, तो DDT का संरचना सूत्र सही आपके ये बैठ रहा है, पेरा और पेरा डेस पे डाइक्लोरो है, डाइफेनिल है, ट्राइक्लोरो एथेन, ऑप्शन नंबर सी इज देयर
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 से हेलो एडिंग्स में CX में सी का संकरण कैसा होता है, तो वो होता है SP2। क्वेश्चन नंबर 49 से DDT किससे मिलकर बना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोबेंजीन एवं क्लोरल से। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में से पॉली हेलोजन यौगिक है, क्लोरोफॉर्म फेवोन आयोडोफॉर्म तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ये MCQ थे जो मैंने आपको सॉल्व कराए। इसके बाद आगे के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो मैं आपको पार्ट सेकंड में अवेलेबल कराऊंगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। इसके साथ वन शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ और भी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो बता दूंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से वो बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।